सेंडर है और इनकोडर, यानी कि जो सूचना देने वाला होता है, इन्फॉर्मेशन देने वाला, उसे सेंडर भी बोलते हैं, उसे इनकोडर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है मैसेज, ठीक है, मैसेज क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसे मैसेज कहा जाता है। नेक्स्ट है चैनल, यानी कि जब आप किससे कैसे बात कर रहे हो, जैसे आपने किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो वो चैनल क्या है, वो माध्यम क्या है, ठीक है, आप फ़ोन का इस्तेमाल करोगे वो क्या होगा चैनल। रिसीवर क्या है, जो मैसेज को प्राप्त करने वाला, फीडबैक क्या है कि आपको मैसेज समझ में आया कि नहीं है, वह है फीडबैक। सेंडर और इनकोडर, देखिए सेंडर इनकोडर, द फर्स्ट स्टेप इज द एट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, द सेंडर इनकोड्स द मैसेज थ्रू सेलेक्ट एंड फॉर्मेट्स द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्वेड। अब देखिए सेंडर इनकोडर क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये कि सेंडर इनकोडर वो होता है जो कम्युनिकेशन को बताता है, यानी कि जो मैसेज को पहुंचाता है, यानी कि जिसने इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसे बोलते हैं सेंडर। नेक्स्ट है मैसेज, मैसेज वही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, तो वो है मैसेज, ठीक है, जिसमें आप कुछ वर्ड्स का, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चैनल, चैनल क्या है कि जब आपने कोई मैसेज पहुंचाना है तो वह किसके ज़रिए पहुंचाओगे, जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, फैक्स, लेटर, मेमो, रिपोर्ट, फेस टू फेस, आप माध्यम चूज़ करोगे कैसा है, ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसी चीज़ ये होती है, ठीक है, आप मैसेज ये नॉन वर्बल या वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से भी पहुँचा सकते हो, ठीक है। रिसीवर डिकोडर वही जो मैसेज को प्राप्त करने वाला वो होता है रिसीवर या डिकोडर, आप सिंपल इतना याद रखो। नेक्स्ट है फीडबैक, अब आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ये है फीडबैक, ठीक है। फीडबैक इज़ अ रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज, देखिए सेंडर से शुरू है, फीडबैक पे ख़त्म है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बताइए कि प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, आपको चार ऑप्शन दे दी जाएंगी, ठीक है, आपको उसमें ढूंढना होगा। सेंडर से शुरू हो गए, फीडबैक पे ख़त्म होगा, फीडबैक हमारा सबसे लास्ट में ही आएगा, इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। दिस काइंड ऑफ फीडबैक इज़ फॉर्म ऑफ ओरल और रिटन नॉन वर्बल, देखिए फीडबैक क्या है, फीडबैक में होता है ना कि जैसे आपने किसी से बात की, फ़ोन पे बात कर ली आपने किसी से, तो या आमने सामने बात की, आपको उसकी बात समझ में आई या आपको उसकी बात समझ में आई, तो एक कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा फीडबैक में, ठीक है। जैसे एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में पढ़ाने के दौरान जब उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दी, शेयर करने के बाद जब वो बच्चे से पूछते हैं कि बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं, तो सब कहते हैं यस सर या नो, ठीक है, तो उनका यस या नो बोलना क्या कहलाता है, वो कहलाएगा फीडबैक, ठीक है फ्रेंड्स। इन नॉन वर्बल फीडबैक, अब देखिए जैसे फीडबैक में तो हम मुंह से बोल देते हैं, अब वर्बल में तो हमने बोल दिया ना ऐसे, अब देखिए नॉन वर्बल में क्या है, कई बार हम सर को हिला देते हैं अपने, ठीक है, स्माइल कर देते हैं, आंखें घुमा लेते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक फीडबैक का तरीका है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ, देखिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देखिए इसमें क्या है, ये जून 2013 क्वेश्चन है, उसमें आता है ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए। देखिए आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था ऊपर, देखिए कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज, आप चार को ऑप्शन ये पढ़िए उसमें, देखिए इसका आंसर ऐसे ही, यानी कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा लगा हुआ है, आप देखिए पहले कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर या इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट की देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एंड में आपको क्या यूज़ करना है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक यूज़ करना है, यहाँ पे फीडबैक की जगह पे इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, बात वही है, यानी कि आपका जो मैसेज हमने रिसीव किया आपको इफेक्ट क्या रहा आपका, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, ठीक है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जनवरी 2017 का, 2017 का क्वेश्चन था, नॉइस, ऑडियंस क्रिटिकलिटी या फीडबैक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन क्या है, फीडबैक, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, देखिए ये वही फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसका देखिए चार ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर है, एक मिनट के, ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत है, ये क्वेश्चन सही है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्मेशन कैसे
एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होती है। देखिए द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिलॉसफी। अब जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो स्ट्रक्चर पे या फिलॉसफी पे, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैव स्मॉल लेवल ऑफ हायरार्की व्हिच इज़ नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन वेरियस लेवल ऑफ हायरार्की व्हिच इज़ क्रिटिकल एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। देखिए है क्या, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे स्मॉल हायरार्की है, जहाँ पे क्या है कि आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, ठीक है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती, ठीक है। अब हाई लेवल की देखिए, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहीं कहीं से, जैसे आप कहीं पर फ़ोन करो, ठीक है, तो जैसे आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोन करोगे आपको प्रॉब्लम का सलूशन आराम से मिल जाएगा। अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कस्टमर केयर वाले बैठा रखे होते हैं, वो आपको पहले इतना तंग करते हैं, है ना, तो वही बात है, जैसे आप पहले सारी बात बता दो फिर वो आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, आपको फिर से पूरी बात बतानी पड़ेगी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो उसमें क्या है, उसमें इन्फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, देखिए सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हमने देखा था ना वैसे ही कि जब हाई लेवल का, हाई पोस्ट का व्यक्ति, हाई पोस्ट का पर्सन जो लो पोस्ट ऑफिसर से बात करता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई सीनियर है वो अपने जूनियर से बात करेगा, वो होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड क्या है, जब जूनियर सीनियर से बात करेगा वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है, डायगोनल और क्रॉस, ठीक है। देखिए चार तरह का है, देख लीजिए, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल और हॉरिजॉन्टल एक ही बात है, डायगोनल और क्रॉस, ठीक है। डाउनवर्ड तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ यहाँ पे कि वो कम्युनिकेशन है जो हाई लेवल का जो पर्सन है, ठीक है, इनकी जो सीनियर है वो जूनियर से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड में क्या है कि जब क्या करते हैं कि जो लो लेवल, यानी कि जब जो जूनियर है वो सीनियर से बात करेंगे, वो क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो यूजली टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ द सेम हायरार्की लेवल और सेम स्टेटस। दिस चैनल आर यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन। देखिए लेटरल या हॉरिजॉन्टल क्या है, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया डाउनवर्ड में सीनियर से जूनियर, यहाँ पे अपवर्ड में जूनियर से सीनियर। लेटरल में क्या है कि जब दो कलीग, यानी कि दो सेम लेवल के या सेम स्टेटस के व्यक्ति आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, वो है लेटरल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, देखिए व्हेन डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एट वेरियस कन्वे द मैसेज बियॉन्ड द बाउंड्रीज, इस स्टेटमेंट टू बी क्रॉस बाई से डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जब देखिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब कॉन्टैक्ट किया जाता है तो वह है डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम सेम डिपार्टमेंट सेम व्यक्ति से बात करेंगे, ठीक है, सेम व्यक्ति जो आप